वेलकम टू इंग्लिश स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आई एम ब्रजेंद्र ठाकुर। इस वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ वाला क्वेश्चन। इससे पहले के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर यह क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 9, ठीक है। फाइंड LCM, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, LCM फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड का यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ी हुई है किस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पढ़ा हुआ है हमने, यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने पढ़ा हुआ है कि LCM मल्टीप्लाई HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो LCM और HCF प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है। और ये आप फॉर्मूले की तरह याद भी कर सकते हैं इसे, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब हमें गिवन में क्या दिया हुआ है बेटा, गिवन में दिया हुआ है हमें HCF ऑफ 306 और कितना 657 इक्वल टू 9, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, LCM जो मैंने नीचे लिखा नहीं था, इसलिए आप गिवन में करके लिख सकते हैं, ठीक है, इधर इसे। और फाइंड क्या करना है हमें, इनका इक्वल टू क्वेश्चन, LCM हमें फाइंड करना है और HCF हमें दिया हुआ है। अगर आप ये लिखते हैं, इसे आप कहाँ लिख सकते हैं, सेकंड स्टेप में लिख सकते हैं LCM को, तो ये अच्छा लगता है जब हम क्वेश्चन अच्छे से जमा करते हैं। तो LCM की वैल्यू बेटा हमें फाइंड करनी, कुछ नहीं दिया है तो LCM की जगह पे क्या रहने देते हैं, हम LCM ही रहने देते हैं। HCF की वैल्यू हमें कितनी दी है, 9 दी है, तो हमने 9 पुट कर दी। बीच में क्या है बेटा, मल्टीप्लाई है और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब कौन से नंबर दो लेंगे हम, जो नंबर देखो आप, इधर भी यही दिया हुआ है और LCM के लिए भी हमें यही दिया हुआ है, तो नंबर कौन से दो हैं, जी दोनों दो हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हम फाइंड कर लेंगे। मल्टीप्लाई 657। अब बेटा पहले हम क्या करते थे, इनका मल्टीप्लाई करते थे और इन दोनों को इक्वल बताते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, LCM। तो हम इनका मल्टीप्लाई करने से अच्छा इस 9 को इसके डिवाइड में ले आएंगे और इन्हें काट देंगे, और कटने के बाद जो बचेगा बेटा वो क्या होगा, थोड़ा इजी होगा उनका मल्टीप्लाई करना, इसलिए हम इतने बड़े नंबर का मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे। तो LCM इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 357 अपॉन 9, ठीक है। अब 9 का हम इसमें कर सकते हैं, और इसमें इससे अच्छा इसमें जा रहा है तो हम किस में कर दें, इसी में कर देते हैं, ठीक है। इसमें बड़ा नंबर है तो डिवाइड करने में भी टाइम लगेगा, जी छोटा नंबर है इसमें डिवाइड जा रहा है, ठीक है, तो इसमें अपन कर सकते हैं। 9 3 27 बचा कितना, 3 कितना हो गया, 36, तो 9 4 36 कितना आ गया इधर, 34। तो LCM इक्वल टू, बड़े नंबर को हम कहाँ लिख लेते हैं, पीछे लिख लेते हैं, और इधर कितना लिखा हुआ है, 34। तो इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, इधर रफ वर्क में कर लेते हैं, 34 4 7 28 2 4 5 20 और 2 22 कैरी आया 2 4 6 24 24 और 2 26। अब 3 से करेंगे, 3 7 21 कैरी आया कितना, 2 3 5 15 और 2 17 कैरी आया 1 3 6
18, 18 और 1, 19, 8, 3, 12, 13, कैरी आया 1, 10 और 2, 12, इधर कितना आया, 2, ठीक है, तो HCM कितना आ गया है, 22,338, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन था ये। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप 10th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।